अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ कॉलेज। आज है हमारा प्री बोर्ड का टेस्ट, आज है कोई तकरीबन 14 या 15 रोज़ा है, ठीक है। और यार मुझे इस वक्त ना मुझे कोई तकरीबन 17 घंटे हो गए हैं अभी तक मैं स्टिल जाग रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मल मतलब मैं रूटीन में ना इस टाइम आके सो जाता हूँ, 8 बजे मैक्सिमम सो जाता हूँ, बट इट्स अबाउट 7:40 और अभी तक मैं जाग रहा हूँ। मैंने कॉलेज जाना है और वहाँ से 12 बजे छुट्टी होगी, फिर आके मैंने सोना है। सो लेट्स गो, अभी कॉलेज जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। पेट्रोल चेक करते हैं, पता नहीं यार, देखना ही पड़ेगा। है मजा ही मौजा, वरना वो पकड़नी। शॉप पे जो ना मेरा लैब पेन लिया हो गया तो एक डाल के ना चेक कर लेते हैं, शायद ऐसे ही पेपर देने जा रहा हूँ बड़े ना किया होता ही था ना, बट वही बढ़िया तो मेरे हाथ में गिर गया, कोई नहीं खैर। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ कॉलेज, अंदर जाते हैं और देखते हैं एग्जाम वगैरह का क्या सिस्टम चल रहा है। 5:30 बजे क्लासेस में लगते हैं और यहाँ पे भाई पढ़े पढ़ाकू बच्चे। एग्जाम की कैसी तैयारी है? तेरा मंगुला ने कहा कि मीम में मतलब कैसी तैयारी है यार? काफ़ी देर बाद मिला यार। जुलाई गेट का टेस्ट दिया, कितने नंबर आए? 133। आपसा की हाल है? बच्ची शुची सेट है? What? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कैसी तैयारी है पेपर की? अब सब बिछड़ने लग गए यार, मैं कुछ सहा नहीं रहा तेरी जुदाई। मुसलमान हो गए हैं ले अवैस इन रमजान। और अली चाचा किस तरह की तैयारी है? कोई नहीं भाई जान, क्या हाल है यार? बिछड़ने वाले हो? बारिश भाई फिर कहते हैं अभी अभी तो मामला सही हुए हैं, अभी मैंने वीडियो नहीं लगानी स्टोरी में। हमारे भाई क्या नाम है? उमेर भाई। उमेर भाई क्या हाल है? उमेर भाई यूईटी का टेस्ट देने गए थे, कैसा हुआ? अच्छा उमेर भाई, मैंने सुने आप फैसल को कहते हो। तो अभी छुट्टी हो गई है, बाकी टेस्ट वगैरह दे दिया। टेस्ट यार आखिरी लॉन्ग में मुझे फुल नींद आना शुरू हो गई थी, मैंने मतलब खुद ही नीयत से मतलब आधी क्लास नहीं नहीं लिखा, मैंने लिखा है लेकिन बस एंड पे आई बस यूँ यूँ मतलब दिल से नहीं लिखा, ठीक है ना जो कहते हैं। बाकी सही हो गया, पेपर काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत आसान आया हुआ था। बाकी बोर्ड का पेपर भी इसी तरह है तो ज़बरदस्त हो गया। बाकी कल अगला परसों सॉरी मैथ का पेपर है, उसके देखेंगे प्रिपरेशन कैसे होती है। आई नो मैं ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बना सका क्योंकि यार इतना सा टाइम था, उसमें भी पहले आए हैं बाहर बैठे रहे हैं, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था और आते जाते कोई ना कोई देख रहा था तो मोबाइल नहीं निकाल सका। बाद में फिर पेपर दिया, पेपर दे के अब छुट्टी, वही आपको दिखा रहा हूँ। अली आ गई, इधर आ गया था ये चवल, तेरा इंतजार करता है। बातचीत दूसरी नहीं मिला वो देखो यार कितना रश है अभी माशाल्लाह। आज प्री बोर्ड देने आए हैं बच्चे, वरना तो यहाँ पे आ ही नहीं थे। हाँ मेरी जानू और कैसी हो? ठीक हो यार, तू गले भी नहीं मिला। और सुना एग्जाम कैसा हुआ? आज का तो पेपर बड़ा मैक्सी हुआ यार, आसान आया था। ओके फिर, ओके भाई अल्लाह हाफिज़। क्या हमारे साथ अली हैदर भाई, क्या हाल है? Stop it, get some help. मिलते हैं। और ये हमारे सरमद भाई, हमारे एक प्रोक्टर है माशाल्लाह। पाक भाई क्या हाल है यार? आप यूनिफॉर्म में नहीं हो? मैं यार कॉलेज नहीं आया। अच्छा तो तैयारी कैसी है एग्जाम की?
यार एकेडमी की कोई पार्टी शार्टी करनी है, कोई बाहर लंगर शंगर होना है, कोई माहौल शाहौल बनाना है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये हमारे साथ अबू बकर भाई, क्या हाल है भाई जान? यार ये सारे MB2 के लड़के खड़े हुए हैं, और यार दिल्ली का क्या सीन है? दिल्ली इंशाल्लाह हम 14 तारीख को निकाल रहे हैं। ये हमारे भाई पीसी वाले भी आए हुए हैं, यार कैमरे जो तमाम मेंबर हैं वो खड़े हुए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह 14 तारीख को दिल्ली निकाल रहे हैं, इसके बाहर दिल्ली निकलेगी इंशाल्लाह। तो क्या माहौल होगा दिल्ली पे? इंशाल्लाह बहुत बड़ा माहौल होगा, शेडी होगी, शेरा गड्डी शेडी होगी, गड्डियां शेडी होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हेलीकॉप्टर भी होंगे, प्राइवेट जेट भी होंगे। वो जो आप ग्रुप में कह रहे थे कि मैंने लेके आना है 70 लेके आओ, छड़े थोड़े पुठे आ हिसाब सुनिए, कम टेढ़े नहीं तानी खराब सुनिए, पंजिया दे विच सदा आगे खड़िया ते आओ दर्दानी मारा आओ गप्परू ते केस जेड़ा संजे दत्ते। यार मौसम देखो कितना स्मैक्सी हो रहा है, हाय 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 हाय। रमजान भाई आज कोली जाके पता लग गया लड़कों में रमजान का कोई असर नहीं होता, ठीक है? अब्दुल्ला के अलावा जितने भी भाई, मैं कह रहा हूँ मैं कैमरा नहीं ओपन कर सका, हम लोग काफ़ी बैठे हुए थे, उन्हें हनी पा रही है। मैं कह रहा हूँ छुट्टी हो गई छुट्टी, मैं यार सोया ही नहीं हूँ अभी, ऑलमोस्ट मुझे कोई 23 घंटे हो गए होंगे, 24 घंटे होने वाले होंगे, ठीक है? मैं नहीं सोया। यार शे सारी मार्केट बंद है, बंद है। तो वह इस टाइम हो रहे हैं कोई 3:00, और देखो इस टाइम लड़के खेल रहे हैं, अच्छा 3:00 कोई 40 मिनट हो रहे होंगे, 30 मिनट हो रहे होंगे, ठीक है? तो मैं पढ़ रहा था, तो ना अभी आज 19वां रोज़ है, मैं घर पर शायरी करता हूँ नॉर्मली, तो ना ऐसी मेरा अचानक से दिल करा यार इस टाइम ना पिज़्ज़ा खाना चाहिए, तो मेरे माइंड में आ गया तो मेरे से कुछ और खाया ही नहीं जाएगा, ठीक है? तो अब मैं निकलूँ बाहर 3:30, ठीक है? घर वाले मना कर रहे थे, ज़बरदस्ती निकलूँ कि मैंने कहा चलो यार मिल जाएगा खा लेंगे, आगे पीछे तो ऑनलाइन होती हैं मतलब खुली होती हैं रमज़ान में, पता नहीं क्या सीन है, तो क्यों नहीं खुली हुई बाएँ हैं, तो पिज़्ज़ा तो नहीं मिला, बल्कि सारी फास्ट फूड ही बंद है, कोई पराठे शराठे मिल रहे हैं रास्ते में नज़र आए थे तो वही लेके जाते हैं। घटवाला से भी इंसल्ट आएगी, और मैं कहना कह रहे थे खा लो फिर कोई नहीं, अलग हो गुम यार, ऐसे दिल किया था मैंने कहा चलो रास्ते में आया हूँ, कंटेंट भी बन गया तो ब्लॉग में एडजस्ट कर लूँगा, बट ये नहीं लबा यार क्या करें, मैंने आगे भी एक इधर भी रेस्टोरेंट था क्रिस्पी बाइट, उधर भी देखा नहीं मिला, कोई सीन ही नहीं हुआ। चल आलू वाले पराठे मिले वो भी महंगे मिले। ये क्रिस्पी बाइट ये भी बंद है इस टाइम। जंगीर भाई पेपर कैसा हुआ आज का? हाँ अली रजा कैसा भाई? बहुत ही अच्छा हुआ, चीटिंग बहुत की है मगर खुद भी आता था हमने, मैं तो घंटे पहले पेपर खत्म कर लिया था भाई, मैं भी आपके साथ ही हूं, आपको पता है मैंने भी पहले कर, मैंने और बटीस साहब क्या हाल है, पेपर कैसा हुआ है? एकेडमी के क्या हाल है? अकेडमी में कोई फेयरवेल फूड वेल आ रही है या नहीं? मैंने सुना सर मुफ्ती में लंगर खिलाने जा रहे हैं बच्चों को, हैं चले ठीक हो गया। ये हमारे वैस भाई टोपी पहन के आए हुए हैं, वैस भाई शमो आ गई, शमो आप पे तो मीम लगी, और आ गया यार तू प्यारा लग रहा है ऊपर से। और ये असर भाई पेपर कैसा हुआ है? नहीं हुआ, इसकी शादी होने वाली है, इसके जैसे की कोई मंगनी ना भाई। केड़ी पहली बारी होने लगी, पहले भी हुई? सर जबी भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। जबी भाई मेरी बात सुने, वादा है पक्का वादा? क्या वैसे ही ना बाप बता दें थोड़ा सा यार, इसकी ना सुबह सुबह स्टोरी लगी हुई थी सुबह 12 बजे, मैंने भाई रात की लगाई थी वही ना रात को 12 बजे कि भाई इंगेज्ड हो गया हूं। मैंने कहा भाई पेपरों में आके कौन इंगेज्ड होता है पहले ये बताओ, बाद में पता लगा भाई नहीं है शक्ल एक ही है एंगेजमेंट वाली, कमा होना के भाई इंगेज्ड हो गया। अच्छा नहीं अप्रैल फूल बना दिया मुझे, मैं मुबारकबाद दे रहा था भाई, पहले कहते वादा है वादा, कहते पेपर में आके पहले ये बता क्यों, मैंने आके फिल्म के डाली है बता भाई, कहते चल सही है यार ओके। अस्सलाम वालेकुम सर जी क्या हाल है?
हमारे साथ हैं सर अली हैदर जाफरी साहब। सर जी वो किस तरह के एग्जाम्स के डेज चल रहे हैं? शक्ल कर रहा है फीस के हवाले से, तो मैं बस इनसे पढ़ाता एक बता नहीं दे, बट मैं ये कहूँगा कि जितनी एफर्ट कर रहा है सोशली थैंक यू सर। उसके अलावा सर आपकी एग्जाम्स वगैरह के लिहाज से किस तरह के डेज जा रहे हैं, एग्जाम्स बच्चे किस तरह दे रहे हैं? आपकी ड्यूटी होती है, आज मेरी तबीयत खराब थी लेकिन सी बी टू वालों ने अच्छी क्लास है। मैं यहाँ पे बात करूँगा मुआज की, इसने आज मुझे नाच सुनाई है बहुत अच्छे नाच का भाई, तो मुझे बड़ा मजा आया। जी जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। जरा कैमरा आप साहब आप थले पे आ गए हो, आप साहब गड़ी अच्छी लग रही है और छुट्टी के सीन हो गए हैं। आप साहब को भी यकीन नहीं था है, आप साहब ये कुलजी वालों ने क्या किया, लड़कियों को ले गया अहमद भट्ट के शो पे, लड़कों को नहीं ले गए। आफस को अफ्ताड़ी से मतलब है, अफ्ताड़ी नहीं करेगी। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट।